إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيما کسی کو تاج سلطانی کسی کو تاج سلطانی کسی کو بیگ در در کے میرے مولا تیری مرضی تو جو چاہے عطا کر دے مختصر حمد و ثنا تو بعد کبریائی بڑھائی اللہ جل شانہ دی ذات ببرکت واسطے خاص درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ والو اج دا عظیم شان خطبہ جمعۃ المبارک ملک پاکستان دے حالات دے پیش نظر
अल्लाह पाक दी अजीम रहमत बरकत नेमत और अजीम एजाज बेटी दी असमत के हवाले नाल चंद बातां तुसा अहबाब दे गोश गुजार करना चाहना। जहालत आज तो 1450 साल कबल ये जहालत होया करती सी कि लोग बेटिया नाल नफरत करिया करते सन, लोग बेटिया नाल प्यार नहीं सन करते, लोग जिन्हू बेटी का पता चल जाता उहदे मूँह ब्लैक हो जाते, चेहरे मुरझा जाते, परेशान हो जाते, बेटिया नू जिंदा दफन कर दिता जाता, औरत नाल नफरत की जाती। मुस्तफा अली सलाम आए ने, आका पाक ने आके इस्लाम नू इज्जत, इस्लाम की वजह तो औरत नू इज्जत और मुकाम अता किया। पैदा हुई है बेटी ते अल्लाह पाक दे प्यारे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत कह दिता है। थोड़ा जिन्ना बड़ी हुई है ते मुस्तफा अली सलाम ने फरमाया दुनिया की सब तो अच्छी नेमत नेक बीवी है, उस तो बाद मां बनी है। ते आका पाक ने कहा कि इहदे ते कदमां च जन्नत है, सारियां हद्दां ही मुका छड़ियां। और अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक अंदर बेटी नू रहमत किया है, खुशखबरी किया है। अल्लाह ने कुरान अंदर जिते बेटे बेटियां अता करन दा जिक्र कीता है, सब तो पहले अल्लाह पाक ने बेटी दा ही जिक्र फरमाया है, फिर अल्लाह पाक ने बेटे दा जिक्र फरमाया है। आओ जरा अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िए, तवज्जो इंतहाई जरूरी है क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर हुंदा है, ज्यादा बातां मेरे करन दा शौक हुंदा है, बात नू जरा खुब के समझन की कोशिश करिया करो। अल्लाह पाक ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ या बुली मैं अशाउ इनासाउ व या बुली मैं अशा उजुकूर औ जुगुम दुकरान व इनासा व यजलु मैं अशा वकीमा इल्लहु अलीमुन कदीर। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगो कायनात का बादशाह है मेरा अल्लाह, पूरी कायनात का बादशाह मेरा अल्लाह है। आन में गोरायत पढ़ा रहा गल ते अल्लाह पाक की बादशाही दी आई है, फरमाया तबारक अल्लज़ी बियादिहिल मुल्क व हुवा अला कुल शैइन कदीर। सारी कायनात दा बादशाह है ते मेरा अल्लाह है, फआल लिमा युरीद ते मेरा अल्लाह है, अला कुल्ली शैइन कदीर ते मेरा अल्लाह है, सुभान रब्बी अल अजीम ते मेरा अल्लाह है, सुभान अल्लाह दी जात ते मेरे अल्लाह दी जात है। हजरत जी मैं ये गल गाज अंदर क्यों कर रहा हूं, सुभान अल्लाह दी जात पाके फजूल चीजा पैदा करम तो पाके। अल्लाह पाक ने अगर दुनिया पे एक मट्टी दा जर्रा भी बनाया ते उहदे भी कोई मकसद ने, वीरा बेटी ते फिर बड़ी वड्डी रहमत दे, बेटी ने उन्हों खुसब ते लान समझन वाले आ। कुरान कह रहे आए कुरान या काबुली मैं यशाउ इनासन
अल्लाह पाक ने पहले बेटी का जिक्र किया है, फिर फरमाया वा या बोली मैं अशा उसको और अल्लाह कहते ने मैं बादशाह मैं चाहवा ते बेटियां अदा कर दिया, मैं चाहवा ते बेटे अदा कर दिया, मैनू कहते मैं चाहवा ना कुछ भी अदा ना करा ते मैनू पूछन वाला कोई नहीं है, मैं आप कदीरा मैं आप मैं अल्लाह पाक दे किसे दा हुक्म नहीं जे चलदा, धीआं पुत देना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। हज़रत जी इंज कहां जरा मुहब्बत दे नाल कि धीआं देवे पुत देवे उस दी रज़ा कुछ भी ना देवे उन्हों कौन पुछेगा, धीआं पुत यारो मोती अनमोल ने सारे तैयार साडे अल्लाह कोल ने, ते अज बंदे आ तो रब नाल नाता तोड़िया जिन्ने तेरा एक एक जोड़ जोड़िया, ते अखां विच मोती जड़े गोल गोल ने सारे तैयार साडे अल्लाह कोल ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वीरा बेटी रहमत भी है ते बेटी रहमत हासिल करम दा जरिया भी है, बेटी बरकत भी है ते तेरे रिजक अंदर रिजक वदान अंदर भी पूरा जड़ा है किरदार है, बेटा वीरा ए बेटी जन्नत भी है ते तेनू जन्नत जान दा सबब भी है, ए बेटी अल्लाह पाक दी जहन्नम ते तेरे दरमियान आड़ भी है। आउन खदर जी मैं गल दा आगाज करा, तेरी ते मेरी मां सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा आलिमा फादिला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इंज करके ते कोरत आई है यतीम ते मस्कीन ते गरीब औरत है। हज़रत जी मैं ते दुआ करना अल्लाह गुरबत किसे नू अता ना करे, हज़रत जी गरीबी बंदे दी अना मुका देंदी है, गरीबी इंसान दे ईमान नू खतरात अंदर पा देंदी है। क्या मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने के रोगां विचों एक रोग अनोखा ते जिस दा नाम गरीबी औखे वेले सब चढ़ जांदे सज्जन यार ते बेली गरीबी आ जाए ना वीरा फिर वो लाभदां दे नखरे मुक जांदे ने, इन्हां नन्नियां कलियां दे नखरे रुल जांदे ने। मां जी आयशा पाक दे कोल आई है ते इन्हां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी दोजा मां जी ने पूछिया सुनाओ कोई चीज खाण नूं दिल करदा है, कहरो अखां चों आंसू आ गए जिहड़ी भुखे ना इंसान नूं फिर जिहड़ा ए रुला ही देंदी है, रो के कहण लगी है मेरी ते खैर मेरिया ननियां कलियां भी कुछ दिन तो भुखियां ने। मां जी ऐशा हुजरे पाक दे अंदर गईयां ने ते जा करके मां जी ऐशा ने वेख्या तीन खजूरां मिलियां ते लै के आईयां, इंज करके नबी पाक दी प्यारी सौजा ने हजरत आयशा ने खजूरां इन्हां नूं दे दित्तियां ने। मां ने बेटियां नूं इक इक खजूर दित्ती है ते इक खजूर मां ने पड़ लई है, मां ने कहा चल बेटियां खा लैन, मां खजूर खोल के खान लगी है ते बेटियां अपनी खजूर खा के कहंदियां ने मां जी सानू और भी भुख लगी है ऐ भी खजूर सानू दे दियो। ते उस औरत ने ना हजरत जी जदों बेटे भुखे होना वो लाता भुखियां गोना फिर मावां दियां भुखां मर जांदियां ने, मां कहंदी है मैनू भुख ही नहीं पुत्रा मेरा
मेरा दिल ही नहीं करदा, चल तू खा लै मेरी खैर ते मान ना। इंज करके वह खजूर के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा एक बेटी नूं ते दूसरा दूसरी बेटी नूं दे दिता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल वाकिया लिआंदा गया, मां जी ने सुनाया ते मेरे आका फरमांदे ने आयशा प्यारिये उस वजह तो कद आऊ जबाल जन्ना। अल्लाह पाक ने उस औरत बेटियां नाल प्यार करम दी वजह तो जन्नत नू वाजब कर दिता है ते जहन्नम नू हराम कर दिता है। प्यार करन दी वजह तो हजरत साहब वो ते फिर दिल वेखदा है ना, ओते ते दिलां दा इम्तिहान हुंदा है। ते हज़रत जी कई बदबख्त ऐसे भी ने बेटी दा नाम सुन के कुरान ने बड़ा प्यारा नक्शा खिंचिया है। वइज़ा बुशिरा आदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजुहु मुसवद्दा वहुव कदीम। अल्लाह पाक ने ये नहीं किया जो इन्हां नूं बेटी दी खबर दी जाती है, अल्लाह कहते ने जो इन्हों बेटी की खुश खबरी दी जाती है, वे चलो वो दुनिया के भुले के भुलेखे अंदर पैन वाले हो, वो बेटी खुश खबरी जे, बेटी रहमत जे, बेटी बरकत जे, बेटी इज्जत जे, बेटी जन्नत जे, वो जो कल कयामत का दिन होएगा कोई भी कम नहीं आएगा, खुदा की कसमें बेटी दरे उते भी काम आएगी। फरमाया वाइदा बुशीरा आगा दो गुम बिल उनसा, जिदो इना बदबख्ता नू दसिया जांदा अल्लाह पाक ने तेनू रहमत अता की है, इना दे चेहरे काले हो जांदे ने, सोज जांदे ने, ए बेखिस लोग जेड़े ने नफरत नाल भर जांदे ने, गुस्से नाल लोगां कोलों छुपदे फिरदे ने। ओए वीरा अंबिया बेटियां दे बाप बन के आए ने, वेख अय्यूब अली सलाम नूं रब ने बेटियां अता कीतियां। ते हज़रत जी इत्थे ना मेरा दिल करदा जरा कुरान पढ़ा, अल्लाह पाक ने ना बेटियां दे इमाम दी मिसाल कुरान च दिती है, पढ़ना कुरान पाक दरा। वसारा बल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना आमनु मरअत फिरऔन इज़ कालत रब्बी बनली इंदका बैतन फिल जन्ना व नजीनी मिल फिरऔन इमरान लदी अखसनत फरजा फन फखना फी मिर रूहना व सत्ता कद भी कलिमाती रब्बी गा को तुम बे ही कानत में नल कानती। फरमाया ओ फिरौन दे घर दे अंदर रह के उन्हें अपने इमाम नु सच्चा करके वखाया, मरियम ने चार दीवारी दे अंदर अपने इमाम दी हिफाजत करके वखाई है। हजरत जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़ांगा, आका पाक ने फरमाया जहन्नम मुस्तफा दा साथ, मुस्लिम पाक दे अंदर 2631 नंबर रवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आल जारिया तईन, जेड़ा दो बेटियां दी परवरिश करदा है उन्हें पालदा है, उन्हें पलोसदा है, उन्हें खिदमत करदा है, उन्हें बड़िया करदा है, दीन इस्लाम दे मुताबक उन्हें तरबियत करदा है, उन्हें कुरान पढ़ांदा है, दीन इस्लाम सिखांदा है, शादियां कर देंदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल कयामत दा दिन होएगा ओ बेटियां मेरे नाल जन्नत विच इंज खोण गियां जिवें ए दो उंगलियां नाल ने। हजरत जी मुस्तफा दा साथ मिलना ये क्यों मिलना है? मेरे आका भी बेटियां नाल, बोलो बोलो मेरे आका भी बेटियां नाल
एक गल मैं बड़ी वड्डी करां, वक्त मैनू इजाजत नहीं देंदा। हजरत जी जेड़ा जेदी रीस करके कोई काम करता, मतलब के मैं हुण चेहरे ते सुन्नत सजाइए, क्यों सजाई? मुस्तफा ने सजाइए। मैं सलवार टखनियां तो उपर रखना, क्यों रखना? के मुस्तफा ने रखिए। मैं गदर साहब मस्जिद आन लगा, सज्जा पैर पहले रखना, क्यों रखना? के मुस्तफा ने रखे है। मैं पांच वक्त की नमाज पढ़ना, क्यों? मुस्तफा ने पढ़न का हुक्म दिता है। मैं जेदे वल वेख के जेदी रीस करके काम करना, मुस्तफा ने फरमाया ओ बंदा कल क्यामत नो दे नाल ही होएगा। मेरे आका पाक ने प्यार कीता बेटिया नाल, फरमाया जेड़ा मेरे वल वेख के अपनिया बेटिया नाल प्यार करदा कल क्यामत दा दिन होएगा, वो जन्नत विच मेरे नाल होएगा। अपनिया जिंदगियां च नजर दौड़ा, तू नबी पाक वल वेख के किन्नी जिंदगी गुजार ले। हजरत जी अजकल ईमान साहब दे ही रह गए ने, नाम दे मुसलमान रह गए हैं। बकोले शायर के वजा में गो तुम नसारा, तमद्दुन में गो गनूद, ये आज के मुसलमान जिन्हें देख के शर्मा यहूद। हजरत जी मैं तो आईना वखा के गल के चलावांगा, अपने आप नु कदी कल्ला बह के सोची, 24 घंटियां दे अंदरों तू जेड़े काम करना है, किन्ने नबी पाक दे तरीके वाले करना है, किन्ने तू यहूदियां वाले करना है, किन्ने अंग्रेजा वाले करना है, किन्ने जड़ाए तू हिंदुआ वाले करना है, ते किन्ने काम नबी पाक दे तरीके दे मुताबिक। हजरत जी ईमानदारी नाल दस, केड़ियां जवानियां ते केड़े ईमान रह गए? ना तेरा चेहरा सुन्नत दे मुताबिक, ना तेरे घर का मियार सुन्नत दे मुताबिक, ना तेरा खाना सुन्नत दे मुताबिक, ना तेरा पहनना सुन्नत दे मुताबिक। जनवरी चढ़िया ते न्यू ईयर मना लिया, फरवरी चढ़िया ते 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मना लिया कि मैं मुसलमान, मार्च चढ़िया ते जेड़ा 8 मार्च नो आजादी मार्च कह के मेरा जिस्म मेरी मर्जी दा नारा लगा लिया। वीरा को अप्रैल आया, 1 अप्रैल झूठ दे नाम ते झूठ मार के मना लिया, करते दिसंबर आ गया तेरे क्रिसमस डे दिया मुबारकबाद दे के मना लिया। दस तेरा ईमान किधर गया, दस तेरा इस्लाम किधर गया, दस तू कादा मुसलमान रह गया? ना 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 वीरा, आ जा नबी पाक वल आ जा, आका पाक दे तरीके वल आ जा, आका नाल प्यार कर दे। हजरत जी नबी पाक ने बेटी नाल किवें प्यार कीता है? हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, हजरत आयशा फरमांदियां ने आका पाक ने ना बड़ी प्यारी हदीस है, नबी हजरत फातिमा आईया ते हजरत आयशा फरमांदियां ने मैं कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो किसे सहाबी नाल, किसे सहाबिया नाल, किसे अपनी बेटी नाल इन्ना प्यार करदिया नहीं वेख्या जिन्ना प्यार हजरत फातिमा नाल करदिया वेखे आए। आका ने ना हजरत जी तो जो करे आज बात समझे आज प्यारी बेटी फातिमा आई है, आका पाक ने अपनी वो जगह छड़ दिती जिते बैठे ने सीने ना लगाया ते मत्था चुमे है, ते चुम के मेरे आका ने अपनी जगह ते बठाया, ते आका ने फातिमा अल फातिमा तू बिजा तू मिनी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल दा चैन है। हजरत जी जी जदों अलविदा करन दा मौका आया ना, होर भी बेटियां मेरे आका ने घरों अलविदा कीतियां ने, ते फातिमा दी बारी आई है, आका पाक दियां अखां चो आंसू आ गए। फातिमा प्यारी है, जे अल्लाह पाक दा कानून ना हुंदा मैं तैनू कदी अपने आप तो जुदा ना करदा, मेरे आका काफी जड़ा है, अखां चो सुते गमगीन हो गए ने, ते फातिमा प्यारी भी रोन लग पई है, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जी बेटी दी तरबियत करके तोरिया, जा बेटी अली दे घर जा ते बाप दे मान रख के वखाई, ओते भुख ना वखाई, ओते जड़ाए अपनिया निजता दुनिया वाल ना लगाई। अली मेरा गरीब है, इमाम दा बड़ा अमीर है, अली दुनिया भी तौर
ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਦਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਗਈਆਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਮੰਦ ਕਲਬਾਬ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਪਿਆਰੀਏ ਬੇਟੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ? ਫਾਤਿਮਾ ਪਿਆਰੀਏ ਅੱਜ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਘਰ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਘਰ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਲੀ ਪਿਆਰਿਆ ਫਾਤਿਮਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਏ, ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਈ, ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਫਾਤਿਮਾ ਤੇ ਖਸਰੋ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨਾਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਏ ਪਾਕ ਅੰਦਰ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਬਾਰ ਬਿਨ ਅਸਵਦ ਨੇ ਇਨ ਕਰਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਰਿਆਮਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਮਾ ਅਰਸਲਨਾਕਾ ਇਲਾ ਰਹਿਮਤਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਆਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮੜਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਏ। ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਦਾਰ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। 2630 ਨੰਬਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਹਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੱਕੇ ਚਾਚੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘਰ ਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਵੀਰਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਆਕਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆੜ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੇਦਰ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਰਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਜ਼ਾ ਜ਼ੁਲਜ਼ਿਲਾ ਦਿਲ ਅਰਦੋ ਦਿਲ ਸਾ ਲਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਛੋੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਭੇਜ ਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਾਲ
तहत करांगा। वाकया पिछले दिनों बड़ा आम होया है, एक बंदा है ओदे कारण अल्लाह पाक ने पांच बेटियां ता कर दितियां, ते हजरत जी रब भी फिर देख के अजमांदा है कि बेटियां ते रहमत होंदियां ने की होंदियां ने। ते नए जो पांच बेटियां पैदा हुईया गुस्से अंदर आ गया, बेगम नू कहन लगा अपनी बीवी नू कहन लगा जे हुण बेटी पैदा करेगी मैं तेनू घरों कढ़ देंगा। हर बेटी ते ने जुलम कीता, जदों बेटी पैदा हुई ते बेगम नू मारिया, बीवी ते जुलम कीता, कहिंदा जे हुण बेटी पैदा हुई ना मैं तेनू कतल कर देंगा घरों कढ़ देंगा, तरह तरह दियां धमकियां देंदा। ते हज़रत जी अल्लाह पाक ने फिर बेटी अता कर दिती है। जालम बड़ा गुस्से अंदारे इन क्या मैं ऐ करांगा, सो गया अचानक ही। ते बीवी जेड़ी है अल्लाह पाक नाल गल्लां करन लग पई है, कहंदी है मालिका अल्लाह सोनिया मेरे ते वासमदारी कुछ नहीं, अल्लाह बेटियां देन वाला भी तू है, बेटे देन वाला भी तू है, अल्लाह मेरा की कसूर है, अल्लाह मैं तेरी रहमत इनकारी नहीं हां, अल्लाह ये दुनिया बद बखत है, अल्लाह अज तू मेरिया हिफाजत कर, ये सुता तेन खाब आया, इस जरा खाब अंदर फोत हो गया, ये जो जराए जखन्नम वाले नू अल्लाह पाक ने कहा जाओ इन बद बखत नू ले जाओ जखन्नम सुट दो, इंज करके नू जखन्नम फरिश्ते लैके गए। पहले दरवाजे ते गए ने सब तो बड़ी बेटी मिल गई है, नहीं नहीं मैं अपने बाबा नू जखन्नम नहीं जान देंगी, अल्लाह जी मेरी गल मान लो, अल्लाह जी मेरी सिफारिश कबूल कर लो, इनू उधर दरवाजे तो पहले दरवाजे तो माफी मिल गई है, दूसरे पे आई है, तीसरा चौथा पंजवा छेवें दरवाजे ते जदों लैके आया इसनू जखन्नम सुटन लगे फरिश्ते, ते छत्ती ओ नन्नी जी बच्ची कहन लगी अल्लाह मैं अपने बाबा नू जखन्नम नहीं जान देना। अचानक इहदी अख खुली है ते बीवी को ला के बह के रोन लग पिया, आंदा अल्लाह वालिए माफ कर दे मैं भुल गया सा, मैं च पै गया सा, मेरे को गलतियां हो गई ने, ये बेटी अल्लाह दुआ कर को खोर दे दे ताकि जखन्नम दे सारे दरवाजे दे साडे वास्ते जखन्नम जान तो बेटियां रुकावट बन जान। हजरत जी मुस्तफा दी हदीस सच्ची है, मुस्तफा दी बात सच्ची है, और इत्थे एक बात करांगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हों अल्लाह पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत दे रावी ने, मुसनद अहमद अंदर 8425 नंबर रवायत है, आका पाक ने फरमाया जिन्हों अल्लाह तीन बेटियां अता करे उन्हां दी परवरिश करे अल्लाह पाक उहदे ते जन्नत वाजिब कर दिंदा है। ते इक सहाबी बोलिया अल्लाह दे नबी जी अगर अल्लाह दो बेटियां अता कर दे, फरमाया ओ दो दी परवरिश करे अल्लाह दो बेटियां दी वजह तो जन्नत दे देगा, फरमाया अगर अल्लाह एक और बोल पे आए अगर अल्लाह एक बेटी अता कर दे, फरमाया सहाबियो तुहानू पता नहीं जन्नत विच जाण वास्ते बेटी एडी वड्डी रहमत है, जन्नत विच जाण वास्ते एक बेटी कल्ली काफी है। जड़ा दुनिया ते बेटी नाल प्यार करदा है वो तो समझो अपनी जन्नत तैयार करदा है, उन्हूं रब ने मौका दिता है चल अमलां दे सिर ते नहीं ते अपनियां बेटियां दे सिर ते जन्नत टुर जा। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते गल सुनावांगा जरा, मस्जिद नबवी है ते मेरे आका पाक ना इंज करके मस्जिद नबवी च बैठे ने, ते दुआ करना अल्लाह तेनू भी मस्जिद नबी विखा दे क्योंकि मेरा ते मोहब्बत जड़ी है बड़ा मोहब्बत ते बड़ा प्यार है। मैं तेज क्या करना दरा मदीने के दरो दीवार और बाजार अच्छे हैं, मदीने के दरो
درو دیوار اور بازار اچھے ہے وہاں ہر چیز اچھی ہے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھوں اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں مدینے کے درو دیوار اور بازار اچھے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی پاک کے اندر تشریف فرمانے ان کر کے صحابی بھی آقا پاک دا بیٹھا ہے اے صحابی دا بیٹا آیا ہے صحابی نے بیٹے نو پکڑیا پیار کیتا ہے محبت کیتی ہے چمیا چٹیا تے گوج بٹھا لیا چند منٹ گزرے نے ادھروں بیٹی بھی آ گئی ہے ان بیٹی دا استقبال بیٹے دی طرح نے کیتا ان چھپ کر کے نال بٹھا لیا تے حضرت جی نبوت والے چہرے تے غصے دے اثار نظر آ گئے نے تے میرے آقا کہن لگے نے اوے کی کیتا ہی جہالت والا کم نا انصافیاں کیتیاں نی انجت نہیں نہ کریدا جویں بیٹے نال پیار کیتا ہے اوویں بیٹیاں نال پیار کر جویں بیٹیاں نال محبت کرنا اوویں بیٹے جویں بیٹیاں نال محبت کرنا اوویں بیٹیاں نال بھی محبت کر حضرت جی آقا پاک نے سبق دیتا ہے اوے بیٹیاں نال پیار کریدا ہے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اور بڑا پیارا جملہ ہے ماں نال وفاواں کردیاں نے ماواں نال وفاواں کردیاں نے بابا لی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے نا شکوا کرن تقدیراں دا نا شکوا کرن تقدیراں دا برا بڑا مان نانو ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اور بڑی پیاری گل کردے نے اے لے کے اوندیاں رحمتاں وی بابا دے رزق وچ برکتاں وی بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے جد بہ کے ڈولی ٹر جاندیاں نے جد بہ کے ڈولی ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے اللہ پاک نے بیٹی دتی ہے نا تے بیٹی نال پیار کر محبت کر ویرا بیٹی نو کدی ظلم نہ کریا کر بیٹی نال نا انصافیاں نہ کریا کر حضرت جی اے بیٹی بڑی نازک چیز ہویا کردی ہے یار
वेखो ना मैं ते तुसा मुराद अंदर आवा सारी जिंदगी 20-25 साल तक बेटी ए अल्फाज सुनदी है इनू कुछ ना कहो मेहमान है इनू कुछ ना कहो परौणी है आपे अपने घर चले जाएगी। हजरत जी बाबे दा घर भी अपना घर नहीं है वीरां दा घर भी अपना घर नहीं है आपे अल्लाह पाक जेड़ा है अगले घर टुर जाएगी जो अगले घर जाती है ते अगले घरों भी जेड़ा है द्योर ताने मारते ने सस ताने मारती है सुसर ताने मारता है काम ताने मारता है तेरे प्यो दा घर ते नहीं ना तेरी बाप दा घर ते नहीं ना तेरी मां दा घर ते नहीं ना 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 वीरा जो बेटी दे दिल नूं ठेस पहुंचती है अल्लाह पाक दार छिल जांदा है इन्हां बेटियां नाल प्यार करिया कर अज किसे दी बेटी नूं बापनी बहू नूं बेटी बना के रखेंगी मेरी माए कल तेरी बेटी नाल भी कोई तेरी बेटी नूं भी बेटी बना के रखेगी तेरी बेटी नूं भी बेटियां वाला प्यार मिलेगा। हजरत जी ये बेटियां ही होंदियां ने बंदा एक घर संभालना मुश्किल होंदा है रब बेटियां नूं घोंसले दिते ने जेड़ियां दोनों तीनों घर संभाल जांदियां ने बाप दा घर भी संभाल दियां ने ते अगला घर भी संभाल। हजरत साहब कदी वेखना होए ना कि अल्लाह ने बेटी की कोई स्पीकर दा प्रॉब्लम है भाई बारले नहीं चल रहे बहरहाल कितने मलक सुनैन आप वेख यार गए हो कि तू बैठा तेरे कोई सेट होने तू जो मेरी तरफ करो जरा मैं जड़ी बात कर रही हाँ जरा जी तू जो करे आज वेखना होए ना बेटी का हौसला ते जाई ना कदी किसे बगाने दे मां बाप नो हजरत वजो अल्फाज आया ना करे आजे किसे बगाने दे मां बाप नो अपना मां बाप कह के एक महीना उना दी खिदमत करके वखाई पता चल जाएगा बेटी आंदे हौसले किन्ने होया करदे ने बेटी आंदे रब ने हौसले किन्ने बनाए ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नू जन्नत दे दाखले वास्ते हजरत अब्दुल्ला रवायत दे रावी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्नू बेटियां दी वजह तो अजमाया जाए ना दुनिया दे ताने पैंदे ने पै जान परेशानियां आउंदियां ने आ जान फरमाया ए बेटियां दे तानियां दी वजह तो अल्लाह भी इहदे नाल प्यार करदा अल्लाह दुनिया ते भी आसानियां करदा कबर भी आसानियां करेगा ते कल क्यामत वाले दिन अल्लाह इनू अपने अर्श दा साया भी नसीब कर देगा। हजरत साहब हुण तवज्जो करे अजे बात दन चोड़ निकालन लगा जे जिदों कल क्यामत दा दिन होएगा फरमाया इजाजुल जिलातिल अर्जु जिलजालगा जमीन फट जाएगी इजा समाउन फातरात आसमान फट जाएगा इजा समाउन शक्कात आसमान फट जाएगा अलकारिया तुम अलकारिया वमा दरा कमलकारिया वीरा जिदों कोई भी काम नहीं आएगा वसागी बाती की वाबानी लिकुल मरी मेनुम यौमाई दी शानी उगनी ओए सात दूसरे दे काम नहीं आउणगे। हजरत जी ना बाप बेटे दा ना बेटा बाप दा ना बीवी खावद नूं पहचानेगी ते हजरत जी उत्ते बेटी आ जाएगी आके अल्लाह पाक सामने पुकारा करेगी अल्लाह मेरे बाबा नूं जहन्नम तो बचा के ते जन्नत भेज दे। ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਐ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
जायदादा तकसीम करते ने लड़ते ने ते जेड़ी बेटी हुंदी है हजरत जी ओनू फिकर पै अपने मापिया दे दुख दर्द तकसीम कर लैंदी है अपने बाप दियां खिदमतां करदी है अपने बेटियां अपना जिहड़ा है मां दियां खिदमतां करदी है भुल जांदी अपने दुख दर्दां नूं ते वीरा मैं ते पैगाम दवांगा वेखो हजरत जी जिन्हें एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन दुनिया ते ऐसे कबीरा गुनाह ने जेड़े अल्लाह कदी भी माफ नहीं करेगा। नंबर एक गुनाह है वे अल्लाह पाक नाल जेड़ा शिरक करदा है ते नंबर दो फरमाया जेड़ा रिज़क दे डर तो तानिया दे डर तो अपनी औलाद नू कतल कर देंदा है अल्लाह ऐसे बंदे नू भी कल कियामत नू माफ ते पाक नहीं करेगा। जालिमा तेरा की हक बनदा है कि तू अल्लाह दी पैदा कीती मखलूक नू कतल करे तू कौन होना जिहड़ा रब तेनू रिजक दे रहा रब ओनू भी रिजक आपी अता करन वाला है। ओए वीरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह कदी भी माफ नहीं करेगा ते वाई दल मऊदा तू सुई लात भी आई जम्बिन कुती लात। हजरत जी मैं तेना मुस्तफा दी गदीस पढ़ांगा जिन्हें एक जान नू कतल कीता मतलब बेवे के उन्हें सारे जहान नू कतल कीता जिन्हें एक जान नू कतल कीता। हजरत साहब है पिछले दिनों ना तुसी आप ही वेख्या मियां वाली दे इलाके दे अंदर एक बदबख्त ने सारी दुनिया दे दिलां नाल खिलवाड़ कीता सारे जिस एक बदबख्त ने रब दे अरश नूं खलाया एक बदबख्त ने अल्लाह पाक दी नाराजगी दा जिहड़ा ए अल्लाह पाक दी नाराजगी खरीदी है बेटी रब दित्ती है ते जालम बाप ने मासूम कली नूं पंज फैर मार के जालिमा एदा जिस्म है वे पला फैर खान वाला एदा जिस्म ते जेड़ा इन्निया सकत ताकत वाला ही नहीं एदे जिस्म च फैर मार के इस बदबख्त ने कतल कर दिता है। ए बेटी फौत हो गई है इस जालिम ने अपनी बीवी नू धमकियां लगाईया ने मैं तेनू भी कतल कर देंगा मैं क्या सी ना के बेटी ना पैदा होण दई ओए जालिमा भला किसे दे वस अंदर होंदा बेटी लैना या बेटा लैना बेटियां देन वाला भी अल्लाह बेटे देन वाला भी अल्लाह तू जालिम जुलम कीता अल्लाह दी कसम मैं उस वक्त दा गिरान इंसानियत मर गई है ओ दाखिया कलबी वाला वाकया मैनू याद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया आके ना दारो कीता रोन लग पिया ते कहना आका जी मैनू दसो अल्लाह मैनू मुआफ कर देगा कि नहीं करेगा। हजरत जी उस काफर नू भी पता है उस यहूदी नू भी पता है बेटियां नाल जुलम कीता होए ते माफियां लेना मुश्किल हो जांदा है बेटियां नाल नफरत कीतिया होण रब मनाना मुश्किल हो जांदा है ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए दाखिया दस ते सही की गल फरमाया आका जी मैं बड़ा वड्डा गुनाह कर बैठा मैनू लगदा है कि मैनू अल्लाह मुआफ नहीं करना दस ते सही की गुनाह कीता है। कुरान कह रहा है ला तक न तू उमिर रहमतिल्लाह फरमाया था या कलबी कहंदा है आका जी मेरे घर ना बच्ची पैदा होने वाली है ते मैं ना के सफर ते चला ते मैं क्या घर मरगर बेटा पैदा होए अच्छी परवरिश करनी है बेटी पैदा होए ते कतल कर दे आजे अब दाइया कलबी आंदा है आका जी मैं गया चलावा ते मेरे जान तो बाद ना अल्लाह पाक ने बेटी अता कर दिती है आंदा आका जी मैं वापस आया ते मैं पूछया सुना
अल्लाह पाक ने की अता कीता ते मेरी बीवी खामोश है ते मेरी बेटी जड़ी है ना कदी मेरे अगे आंदी है ते पीछे आंदी है हाय बाबा बाबा करदी फिरदी है कदी बाबा दियां जुतियां साफ करदी है कदी बाबे दे कपड़ियां तो मट्टियां झाड़दी है कदी बाबे दे नाल लाड़ करदी है चुमदी चटदी है मुहब्बतां करदी है बाबा बाबा करदी है आका जी मैनू भी प्यार आ गया ते मैं बेटी नू जड़ाए जिंदा कदर गौर करम दा इरादा खत्म कर दिता आका जी मैं घरों बाहर आया वा ते मैनू लोग ताने मारने शुरू कर दिते हजरत जी इत्थे एक गल कहांगा खुदा रा इस गल दा असर ना लिया कर लोग की कहणगे लोग की कहणगे वीरा इस गल ने बड़िया बड़िया नू बेईमान कर दिता दीन तो दूर कर दिता मैं नमाजा पढ़ांगा ते लोग की कहणगे मैं सलवार टखनियां तो उत्ते रखांगा ते लोग की कहणगे मैं दाढ़ी रखांगा ते लोग की कहणगे मैं बेटियां वाला खो गया लोग की कहणगे मैं इस्लाम वाला खो गया लोग की कहणगे मैं सिर ते टोपी रखन लग पिया लोग की कहणगे मैं जिहड़ा दीन दी तबलीग बाजारां च करन लग पिया लोग की कहणगे मैं कुरान पढ़न लग पिया लोग की कहणगे ओए सियाल कोटिया मेरा पैगाम ही लोग कुछ भी नहीं कहणगे लोग तेरे मरण ते बस इन्ना लीला कहणगे इस तों वध किसे दा कुछ कहम दी कोई औकात हसीयत नहीं जे जदों तू मरेगा बस लोग तेरी कबर ते मट्टियां पाणगे होर कुछ भी नहीं कहणगे जे दुनिया ते रब रसूल दियां ना फरमानियां करके जाएगा लोग कुछ नहीं कहणगे फरिश्ते तेरे ते लानता पाणगे जी लोग की कहणगे हजरत इस गल ने पूरा दीन बिगाड़ के रख दिता है नौजवानों में गल लै गई है मैं दाढ़ी रख ली तो मैनू पूरे कॉलेज च कहणगे मौलवी जा रहे हैं हजरत मौलवी पता किनू कहा जाता है जिहड़ा मुस्तफा दे दीन दा रहबर ते रहनुमा हुंदा है ये कोई ऐप दी गल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो बस बात इखते गल खत्म कर रहे हैं तो जो करे आज दो तीन मिनट अंदर दाइया कलबी कहंदा आका जी लोगां ताने मारे ते मैं अपनी बेटी नू जाके ज करके नाल लै गया मैं गल्लां वाली तैयार कर दे मैं कि रिश्तेदारां ते जाना चाहना वा मैं इंज करके कई कुछ ते आला भी नाल लिया एक जगह ते वीराने ते जाके मैं टोया कढ़ना शुरू कीता टोया कढ़ कढ़ के ना मेरी बेटी मेरे प्यार कर दी है कदी पसीने साफ कर दी है कदी मेरे तो मिट्टियां झाड़ दी है कदी निके निके हत्थां दे नाल टोए चो मिट्टियां कढ़ दी है मैं बाबा दी हेल्प करा मेरे बाबा थक ना जान ओए बेटियां ते प्यार ही बड़ा कर दिया ने वीरा जदों इन्हें वेख्या के टोया जिहड़ा सही निकल गया इन्हें बेटी नूं मैं छुट्टिया ते मिट्टियां पाणियां शुरू कर दित्तियां ने सालम मिट्टियां पाई जांदा आका जी मेरे दिल ते पत्थर आ गया लोगां दे ताने मेरी अखां दे सामने आ गए मेरी अखां ते नेरा आ गया आका जी मैं अपनी बेटी नूं पूर दित्ता ते जदों आखरी मेरे बेटी दी गले तक मट्टी आ गई है ते मेरी बेटी कहंदी है बाबा कल कयामत दा दिन होएगा मेरा खत होएगा ते तेरा गिरबान होएगा बाबा मैं चुन चुन के बदले लै लवांगी बाबा मैं चुन चुन के बदले लै लवांगी मैं मुआफ नहीं करांगी ओए बेटियां नाल जुलम ना करी कल कयामत नु ए बेटियां किते तेरा जहन्नम जान दा सबब ना बन जान जे बहू लै के आउना तेरी जिम्मेदारी है ओनू भी बेटी बना के ते ओदी जिम्मेदारी उठा अपने बेटे ते नजर रख किते तेरी बेटी दे नाल जुलम ते नहीं कर रहा ज़ियाफ़ी ते नहीं कर रहा हजरत जी नबी पाक बेटियां सोने जल्दी आ जाना बेटियां रुल गई ने बेटियां रोंदियां ते कुरलांदियां नो
ਕਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਸ ਤੇ ਮਜਬੂਰਾਂ ਲਈ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਕੁੱਲ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕਾਂ ਆਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਹੀਆ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਅੱਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਡ ਉਠਾਇਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਪਈ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਵੱਟ ਨਾ ਪਾ ਲਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰੱਬ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਏ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰੱਬ ਉਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਏ ਰੱਬ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸ਼ਫਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।